नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। भारतीय बैंकों की एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स की चमक फीकी पड़ गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में एनआरआई डिपॉजिट में करीब 62% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्याज दरों में कमी और कोरोना इलाज के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत इस गिरावट की प्रमुख वजह मानी जा रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स में शुद्ध निवेश घटकर 2.6 अरब डॉलर रह गया है। एक साल पहले की इसी अवधि के दौरान ये 7 अरब डॉलर था। कोरोना संकट के दौरान कई प्रवासियों की नौकरी चली गई, खासकर गल्फ देशों में जहां से एनआरआई डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा आता है। इसके अलावा अनिश्चितता के दौर में हर दिन का बैलेंस मेंटेन रखना उनकी ज्यादा प्राथमिकता थी, इसलिए शायद एनआरआई के पास सरप्लस कम बचा। अब क्यों घट रहा है जमा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्यादातर एनआरआई जमा नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल यानी एनआरआई अकाउंट में है। इनका रिटर्न घरेलू रेट से जुड़ा है जो कि काफी समय से नीचे चल रहा है। इसकी वजह से बैंक जमा कम आकर्षक हो गए हैं। इनकी तुलना में म्यूचुअल फंड या शेयरों में ज्यादा निवेश किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान प्रवासियों और उनके परिवारों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद ही एनआरआई ऐसे अकाउंट में पैसा रखते हैं। यही नहीं, जानकार कहते हैं कि आगे भी विकसित देशों में यील्ड में बढ़त होगी और रुपए में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। इसकी वजह से एनआरआई डिपॉजिट का आकर्षण और कम होगा। एनआरआई निवेशकों को ब्याज दर कम मिलेगी और करेंसी रेट का फायदा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वह अपने घर डॉलर कम भेज पाएंगे।